अस्सलामुअलैकुम। ये आज मैं एक साइट पे आया हूँ, यहाँ पे यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके लिए विलास बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये कंस्ट्रक्शन का एक नया मेथड देखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पे किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये विलास बन रहे हैं, ये एक ही दफ़ा इनकी सारी ये कंक्रीट की वॉल्स होती हैं और इनके ऊपर एक प्लास्टिक जो हम जैसे समुद्री जा कहते हैं या पैकिंग मटीरियल है ये लगता है। तो मैं ये आपको चेक कराता हूँ ज़रा किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। ये अभी एक विला बना हुआ है, ये बिल्कुल एक ही कंस्ट्रक्शन है। ये देखिएगा इसमें टोटल ये कितने सेंटीमीटर जी, 10 सेंटीमीटर ये वाल बन, 4 इंची की वाल है, पूरा पूरी दीवारें 4 इंची की, पूरा कंक्रीट है। अब इसके अंदर से वो फिटिंग सारी उतार दी गई, अभी मैं दूसरे आपको विला में लेके जाऊँगा वहाँ दिखा दूँ। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर, ये वन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इकट्ठा एक ही दफ़ा सारा ये कंक्रीट डला है और ये सारा सिस्टम बना है। और अभी मैं आपको दूसरे विला में जाके दिखाता हूँ मेरा, चलिए उधर आगे, वो जिसमें अभी लगी हुई है ना स्ट्रक्चर, कि अंदर से स्ट्रक्चर लगाते हैं, ऊपर से लगाते हैं, इसकी दीवारें, इसकी छत, मीन के सारे का सारा एक ही दफ़ा ये डाला जाता है। अभी हम दूसरे में जाते हैं, गर्मी काफ़ी है। और ये देखिए अभी ये बाहर से इसका स्ट्रक्चर लगा हुआ इसमें ना, हाँ ये देखें कि ये इसमें इस वक्त ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है और इसकी फिलिंग हो चुकी है, मतलब कि ये विला तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए यहाँ से ये खोलते जाएंगे, ये वाला है ना, हाँ ये वाला, ये खोलते जाएंगे और ये पूरे के पूरे पीस अलग करते जाएंगे और ये आपका विला 3 दिनों में तैयार हो जाएगा। अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान में 50 लाख घर बनाना चाहते हैं तो फिर उन्हें ये टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। अगर वो ये टेक्नोलॉजी लेते हैं तो फिर वो एक साल में, अभी ये देखिए और यहाँ पर ये इस तरह से ये दीवार खोलेगी, अभी आप देखें ये खोल रहे हैं, यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर पूरी की पूरी लगी हुई है। और यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लिप यहाँ से खुलते हैं, ये क्लिप लगा हुआ है, इस क्लिप को यहाँ से हथौड़ी के ज़रिए मारते हैं, ये खुल जाएगा, ये बाहर निकल आएगा और ये पूरी की पूरी जो प्लेट है ये उतार ली जाएगी। और इसके अंदर इस वक्त कंक्रीट भरा हुआ है, मीन कि ये विला तैयार है, बस इसकी ये स्ट्रक्चर है, कल ये इन्होंने फिल किया था और आज। और इसमें मज़े की बात यह है कि इस पूरे जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, कोई तराई की ज़रूरत नहीं है, बस इसको बना दिया। इसमें बताइए क्या होता है कोई अपना तराई शराई? केमिकल होता है इसमें, तराई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। और सबसे ये महंगा जो कंक्रीट जो है ना वो इसमें डलता है। अच्छा। और एक वाला और आपने बताया कि ये 3 दिन में, हाँ 3 दिन में, एक दिन ये लगाते हैं, दूसरे दिन इसका सरिया वगैरह तैयार होता है, भराई होती है, तीसरे दिन ये समय छत के ये खुल जाता है। और इसके सारा जो वायरिंग का निज़ाम होता है सारी चीज़ें इसमें लगा देते हैं। अभी ये दूसरी तरफ चल रहा है तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया कि वहाँ पे वायर का ये सारी बिजली का निज़ाम ही लगा हुआ है ना, ये ब्लैक पाइप हो गए, ये सारे बिजली के ये लगे हुए हैं, ये इसके साथ लग जाता है, तो ये बिल्ट इन सारी चीज़ें मौजूद होती हैं इसमें। तो कोशिश करते हैं ये भी देखते हैं जरा, अगर यहाँ पे अभी ये जो है ये तैयार हो रहा है, इसमें अभी सिर्फ अंदर वाली वॉल लगी है, बाहर वाली लगेगी और दरमियान में यहाँ पे कंक्रीट भर जाएगा, छत भी साथ आ जाएगा, सारी चीज़ें इकट्ठी बनेगी। तो ये आपको ये एक लग चुकी है, यहाँ पे ये कुछ तो कर रहे हैं और ये सारा, तो ये बहुत फास्ट काम है। अगर इस तरह का सेटअप कोई बनाए पाकिस्तान और बनाना चाहे तो इस तरह के विले बहुत ही तेज़ी से बन सकते हैं। ये देखिए कि इसका ये पूरे का पूरा ये विला बन चुका है, इसका ये पूरा एरिया, ये दो है या एक है? ये दो है, एक ये है, एक ये है, दोनों पोर्शन, तो ये दो बने हुए हैं। अब ये देखिए ऊपर से ये बिल्कुल छत है और अंदर ये भर चुका है, ये अंदर से इसको खोल लेंगे, खोल के ये पूरे का पूरा, तो 2 दिनों में ये बन जाता है, ये 2 दिन में बन जाए, तीसरे दिन ये जो है ना 3 दिन में ये तैयार होता है, एक दिन में ये बार लगाते हैं इसकी, एक दिन में लगाते हैं, ठीक है, इसका सब हो जाता है, ठीक है, तीसरे दिन इसको खोल लेते हैं। हाँ मतलब कि एक दिन में इसकी सेटिंग की, सरिया लगा सारी इसकी हो गई और उसके बाद दूसरे दिन इसमें भराई होती है कंक्रीट की और तीसरे दिन इसको
खोल देते हैं, तो 3 दिनों में आपका घर पूरे का पूरा तैयार हो जाता है। फिर इसकी फिनिशिंग का मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी जगह से। कोई इसका प्लास्टर नहीं है, कुछ नहीं है, प्लास्टर नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे कोई अगर कोई चीज़ है वो ग्रेनाइट से हो जाएगी बस इसको वो थोड़ा बहुत मार देंगे। तो अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो साथ जहाँ पे भी वो ये जोड़ रहे हैं इसका ना, ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसका का स्टील स्ट्रक्चर वो जो बना रहे हैं वो मैं आपको जरा दूसरी जगह पर चेक कराता हूँ। तो ये देखिए कि ये बिल्कुल कि इस तरह से अगर इमरान खान काम करे कि एक दिन में 3 दिन में अब यहाँ पे 300-400 विलास बनते हैं। तो ये दूसरा है, आप ये देखें कि यहाँ पे इस वक्त ये काम चल रहा है। अब ये अंदर वाला सिस्टम है जो ये लगा रहे हैं, बाहर इसके साथ लग चुका है जो सरिया है, उन्होंने बांध दी है, जाल पूरा बांध दिया है। और अंदर आप देखें कि ये दोस्त हैं, ये इसको जोड़ रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा नया काम है, मैं देख रहा था, पहले इस तरह का देखा नहीं है। तो मैंने कहा जरा आपने कुछ दोस्तों को दिखाऊं कि सऊदीया में काम 3 दिन में घर बन जाता है। तो ये दोस्त लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ देखें ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस तरह ये विला बनना है, ये दूसरा है। और इसके अंदर ये फिर अंदर से लगा देंगे और बाहर से, और दूसरे दिन इसके अंदर ला के ये लोग भरेंगे कंक्रीट, और कंक्रीट भरने के बाद 3 दिनों में आपका घर तैयार, फिर इसकी फिनिशिंग है। एक और फिनिशिंग का मैं दिखाता हूँ कि बाहर की, क्योंकि इसकी दीवार टोटल 9 सेंटी की होती है, गर्मी यहाँ बहुत होती है, तो उस गर्मी से बचने के लिए ये क्या करते हैं, एक और काम करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तैयार जो ये सब है तैयार विलाज है, यानी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो बन जाता है ये जिस तरह विला आपको बताया बन गया, इसके बाद इसकी वाल के बाहर इस तरह का ये मटेरियल लगाते हैं। अब ये सारे का सारा जो पैकिंग मटेरियल जिसे कहा जाता है ये वो है। तो इसकी ये देखें ये सूरत हाल है, यहाँ पे इस तरह से रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये लगा हुआ है एक ख़ास किस्म का केमिकल कह लें या मटेरियल कह लें, ये लगा है, ये अब इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक। अब ये देख लें कि ये जो विला है इसकी ये पूरी की पूरी वाल के बाहर, ताकि ना तो गर्मी अंदर जाए और ना सर्दियों में ये ठंडा हो ना, तो ये इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये मटेरियल, ये तकरीबन 3-4 इंच का है। तो इस तरह से ये यहाँ पे, और ये पूरे का पूरा घर एक जो इसकी मंजिल है वो 3 दिन में यहाँ पे तैयार हो रही है। तो इस तरह से ये है, ये अंदर देखेंगे अंदर आप बिल्कुल, कुछ जगह पार्टीशन के लिए इन्होंने ब्लॉक्स लगाए हैं, बाकी जो है नॉर्मली ये वन स्ट्रक्चर बनी हुई है।